हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ाऊंगी और हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से संज्ञा के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो इसके बारे में जानेंगे। मैं संज्ञा के बारे में सीखेंगे। संज्ञा 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 मतलब आप लोग सब लोग जानते हैं ना, नाउन। संज्ञा मतलब नाउन। तो नाम नाम किसको रहता है? पशु को, पक्षी को, व्यक्ति को, सबको नाम रहता ना। सो नामों को सूचित करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। हम इजी रूप से सीखना बोले तो संज्ञा मतलब नाम। नामों को सूचित करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। सूचित करना मतलब नामों के बारे में पता चलना। तो जहाँ भी नाम इंक्लूड होता वो संज्ञा होता। तो इसके परिभाषा हम अभी सीखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव को प्रकट करने वाले नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव को प्रकट करने वाले नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान मतलब प्लेस, जाति मतलब पशु पक्षी जाति रहते हैं ना, वो सब भाव और उसके भावों को प्रकट करने वाले नामों को संज्ञा कहते हैं। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे। उदाहरण, राम व्यक्ति वस्तु, कलम दिल्ली, हिमालय कबूतर, आदि। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे राम व्यक्ति हो गया, कलम वस्तु हुआ, दी स्थान हुआ, हिमालय ये भी प्लेस हुआ, कबूतर ये भी पक्षियों का नाम। तो जहाँ भी नामों के बारे में हमको पता चलता नाम उसको संज्ञा बोलते हैं। हम इसको बहुत सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं, नामों को सूचित करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। और लिखते वक्त कैसे लिखना बोले तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति भाव को प्रकट करने वाले नामों को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल्स में आपको दिया, कौन से भी नाम, किसी पक्षी, पशु, व्यक्ति या विशेष स्थल, किसी का भी नाम को संज्ञा कहते हैं हम। तो अब हम संज्ञा के भेद के बारे में सीखेंगे। तो अब हम अभी संज्ञा के बारे में पढ़े ना, संज्ञा के भेद के बारे में भी देखेंगे। संज्ञा के पांच भेद हैं। तो बच्चों संज्ञा के पांच भेद हैं, इसका नाम अभी बोल दी। पहला वाला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? दूसरा जातिवाचक संज्ञा। दूसरा नाम है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। चौदह समुदाय वाचक संज्ञा। पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा।
बच्चों अभी हम इससे पहले पढ़े ना संज्ञा के बारे में, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के पांच भेद हैं, पांच भेदों को एक एक बोलते हैं अभी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा।